जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, जिसका हिंदी मतलब होता है एचआईवी की संरचना। तो अगर हम एचआईवी के लॉन्ग फॉर्म की बात कर लें, लॉन्ग फॉर्म दैट मींस इसके फुल फॉर्म की बात करें, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। तो इस नाम से पता चल जाता है कि जो एचआईवी होता है वो एक प्रकार का वायरस होता है। क्या होता है? वायरस होता है। अब ये वायरस तो होता है, लेकिन किस प्रकार का वायरस होता है? तो एचआईवी जो होता है वो एक प्रकार का रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस होता है। और रेट्रो वायरस है, अब एचआईवी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाई जाती है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो पाई जाती है उसका नाम है आरएनए, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रकार की जेनेटिक मटेरियल इसमें पाई जाती है। अब हमने बात किया रेट्रोवायरस, यानी कि जो एचआईवी होती है वो रेट्रोवायरस होती है। अब रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है? इस रेट्रोवायरस का जो मतलब होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस का मतलब क्या होता है? तो देखिए, दो शब्द होता है, एक तो होता है ट्रांसक्रिप्टेज और दूसरी जो होती है वो होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जो एचआईवी होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस होता है। अगर हम ट्रांसक्रिप्टेज की बात करें, यहां पर देखिए ट्रांसक्रिप्टेज हमने लिखा हुआ है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लिखा हुआ है, दोनों शब्द को लिखा हुआ है। अगर हम ट्रांसक्रिप्टेज की बात करें तो ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब होता है, ट्रांसक्रिप्टेज की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो डीएनए होता है, डीएनए आरएनए में बदल जाता है, ठीक है, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। और वहीं पर अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो आरएनए होता है वो डीएनए में बदल जाता है। कैसे पता करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और ट्रांसक्रिप्टेज में अंतर? देखिए, जो ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब होता है वो डीएनए को आरएनए में बदलता है, तो यहां फिर भी ट्रांसक्रिप्टेज ही लिखा है, लेकिन ट्रांसक्रिप्टेज के पहले एक शब्द आया है रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो ट्रांसक्रिप्टेज के पहले हमने रिवर्स लगा दिया तो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो उल्टा हो गई, यानी कि आरएनए से डीएनए बनने लगी। और जो एचआईवी की आरएनए होती है वो डीएनए में चेंज हो जाती है। अब चेंज होकर क्या करती है, इसके बारे में हम जब एचआईवी के लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम एचआईवी के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो एचआईवी के बारे में थोड़ी सी जानकारी को लिया, अब हम बात करेंगे एचआईवी के स्ट्रक्चर की, दैट मींस संरचना की। एचआईवी की संरचना कैसी होती है? देखिए, यहाँ पर आप चित्र में देखिए एचआईवी की संरचना कैसी होती है। एचआईवी के पास रफली स्पेरिकल बॉडी होती है, ऐसी रफली स्पेरिकल बॉडी होती है। एचआईवी की जो बॉडी होती है वो खुरदरी होती है, स्पेरिकल यानी कि गोल होती है, ठीक है। एचआईवी की जो बॉडी होती है वो रफली स्पेरिकल होती है। उसके बाद इसमें एक एनवेलप्ड पाया जाता है, यानी कि बाहरी आवरण भी पाया जाता है जो कि बना होता है लिपिड या फिर लाइपोप्रोटीन का। तीसरी पॉइंट है, इसमें कैप्सिड भी पाई जाती है। कैप्सिड क्या होता है? कैप्सिड एक बुलेट शेप्ड की होती है, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे इधर डायग्राम में। फिर इसके बाद इसमें आरएनए जो पाया जाता है इसका दो आइडेंटिकल स्टैंड होता है। कितना? दो आइडेंटिकल स्टैंड होता है, और प्रत्येक स्टैंड के पास 9 जीन कोड करने की एबिलिटी होती है, यानी कि एक स्टैंड के पास 9 जीन को बनाने की क्षमता होती है, जीन को कोडिंग करने की क्षमता होती है। और इसके बाद अगला है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी घुंडी जैसी संरचना पाई जाती है। ये देखिए, ये सब घुंडी की जैसी जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये सभी संरचनाएं ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। और इसमें कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, तो उनमें से कुछ एंजाइम्स का नाम भी हम आपको बता देते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एंजाइम्स की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहले तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये भी एक प्रकार का एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रकार का भी एक एंजाइम होता है। अब ये क्या करता है, इस एंजाइम की उपस्थिति में जो एचआईवी होती है, एचआईवी का जो आरएनए होता है वो चेंज हो जाता है डीएनए में, एचआईवी का आरएनए चेंज हो जाता है डीएनए में। उसके बाद दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है इंटीग्रेस। इंटीग्रेस, अब इंटीग्रेस क्या करता है? इंटीग्रेस का काम होता है कॉर्पोरेट द वायरल डीएनए इनटू ह्यूमन डीएनए, यानी कि जो वायरस की डीएनए होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा जो आरएनए डीएनए में बदली है उसी डीएनए को
ह्यूमन डीएनए के साथ जोड़ देता है, ह्यूमन डीएनए में वो इंटर करा देता है। और इंटीग्रेस, उसके बाद आता है प्रोटीएज, ठीक है, प्रोटेज। प्रोटेज एंजाइम क्या करता है, प्रोटेज एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन्स को फंक्शनल बनाता है, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनको कार्यरत बनाता है, यानी कि उनके फंक्शंस को तेज करता है, जितना हो सकता है उतना तेज करता है। अब चलिए, ये तो स्ट्रक्चर के बारे में थियरी रही, अब हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि जितनी भी बातें हमने यहां पर बताई आपको, क्या वो सभी बातें इसमें हैं। देखिए, हमने पहले नंबर पर बताया कि जो एचआईवी होती है उसके पास स्टेरिकल रफली बॉडी होती है, तो देखिए ये स्टेरिकल रफली बॉडी है और इसमें एनवेलप्ड होता है, इसमें एनवेलप्ड होता है यानी कि बाहरी आवरण होता है। अब ये बाहरी आवरण जो होता है वो बना होता है लिपिड या फिर लाइपोप्रोटीन का। उसके बाद हमने बताया इसमें कैप्सिड पाई जाती है, तो ये कैप्सिड दिखाई दे रही है जो ग्रीन रंग की हमने बीच में बना रखी है, ये कैप्सिड है। और ये कैप्सिड क्या है, ये कैप्सिड बुलेट शेप्ड है, कैसा है, बुलेट शेप्ड, बुलेट शेप्ड। अब ये कैप्सिड करती क्या है, इस कैप्सिड का क्या काम है, अब इस कैप्सिड का जो काम होता है मैं आपको सिंपली भाषा में बताऊं, इस कैप्सिड का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। किसका सुरक्षा प्रदान करना, ये सुरक्षा प्रदान करता है जेनेटिक मटेरियल के, किसके जेनेटिक मटेरियल के, एचआईवी के जेनेटिक मटेरियल को ये सुरक्षा पहुंचाता है, प्रोटेक्ट करता है। एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए होता है, ये दो स्ट्रैंड हमने जो आरएनए की बना रखी है इसको ये चारों तरफ से घेरे हुए है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो कैप्सिड होती है जो कि बुलेट शेप्ड होती है वो एचआईवी के जेनेटिक मटेरियल आरएनए को प्रोटेक्ट करती है। फिर उसके बाद हमने बताई आपको आरएनए के दो आइडेंटिकल स्ट्रैंड पाए जाते हैं, तो देखिए यहां पर एक स्ट्रैंड इधर है और एक स्ट्रैंड इधर है, तो ये आरएनए के दो आइडेंटिकल स्ट्रैंड है दोनों स्ट्रैंड के पास, ठीक है, ईच स्ट्रैंड, प्रत्येक एक स्ट्रैंड के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो 9 जीन को कोड कर सके। फिर उसके बाद देखिए, अगर हम इस घुंडी की बात करें, घुंडी की बात करें तो ये घुंडी बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। अब किस प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, तो ये दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। इस गुंडी में भी दो जैसी संरचना दिखाई दे रही है, दो अलग अलग प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है, कैसी, पहली जो बाहर की ओर दिखाई दे रही है, सबसे बाहर की ओर वो फुली हुई है, ठीक है, गोल है और फुली हुई है, और उसके बाद उसके अंदर की जो है वो पतली लंबी है। तो ये जो गुंडी फुली हुई है, मोटी सी गुंडी दिखाई दे रही है, वो बनी हुई है ग्लाइकोप्रोटीन 120 यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 की बनी होती है, जिसको हम डॉकिंग प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये गुंडी जो होती है वो डॉकिंग प्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41 यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 41 की बनी होती है, जिसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो नाम को आप क्लियर कर लीजिए, जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 होता है उसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, और जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो होता है उसको हम डॉकिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, नाम क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसमें एक संरचना दिखाई दे रही है जगह जगह पर नीले रंग की, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, इस प्रकार से नीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है। ये जो नीले रंग की संरचना है ये भी एक प्रकार के प्रोटीन है, ठीक है, कौन सा प्रोटीन है, ये है एमएचसी प्रोटीन। एमएचसी प्रोटीन क्या करता है, जो एमएचसी प्रोटीन होती है वो आइडेंटिफाई करती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, यानी कि स्वतः की और दूसरे की एंटीबॉडीज को, किसकी, अपने एचआईवी की एंटीबॉडी को, और जिस होस्ट में वो प्रवेश करे, जिस होस्ट के अंदर वो एंटर करी उसकी एंटीबॉडीज को वो आइडेंटिफाई करती है। और ये जो गुंडी जैसी संरचना होती है ये काम करती है रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई करने की, ठीक है, किसकी, रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई करने की ये काम करती है। जैसे ही ये रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो वहां पर ये जाकर के अटैच्ड हो जाएंगी, ठीक है, अटैच्ड हो जाएगी। अटैच्ड होने के बाद उसमें वो इंटर्स करेंगे और इंटर्स करने के बाद इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद अंदर की जो लेयर दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, वो लेयर कहलाती है प्रोटीन 17, P17।
जिसको हम मैट्रिक्स प्रोटीन के नाम से जानते हैं, तो ये हमारी मैट्रिक्स होती है। फिर उसके बाद इसमें हम बात करें तो न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है, न्यूक्लियोकैप्सिड भी पाई जाती है। कैप्सिड के अंदर देखिए ये जो येलो रंग की संरचना दिखाई दे रही है छोटी सी, इसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड के नाम से जानते हैं। और इस आरएनए के बीच में एक रेड रंग की संरचना दिखाई दे रही है, इधर देखिए रेड रंग की जो संरचना दिखाई दे रही है इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से जानते हैं। और इसमें हमने बताया कि इसमें ढेर सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो उन्हीं में से मैंने यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स, मॉलिक्यूल्स को लिखा हुआ है। एंजाइम्स के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी एचआईवी की संरचना की। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको हम एचआईवी की लाइफ साइकिल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।